वैसे तो साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, लेकिन कुछ इजी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स ऐसी भी हैं जिनको यूज करके आप अपने आप को दूसरों के सामने ज़्यादा अच्छी तरह पेश कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आप हमारी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। नंबर वन, अगर आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो तो याद रहे कि बातचीत के टाइम आप सामने वाले इंसान को उसके नाम से बुलाओ, जिससे आप उस इंसान का नाम भी नहीं भूलोगे। और अगर आप बार बार नाम लेकर बात करते हो तो सामने वाला इंसान आपको ज़्यादा लाइक करने लगेगा, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है और जिसकी वजह से वह आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने भी लगेगा। नंबर टू, अगर कोई इंसान आपकी बात का पूरा जवाब नहीं दे रहा है या फिर गलत जवाब दे रहा है तो उस इंसान के बात कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देर चुप रहो और आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, जिससे सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल फील करेगा और ये ट्रिक सामने वाले इंसान को पूरी बात और सही बात बताने पे मजबूर कर देगी। नंबर थ्री, अगर आप अपनी पहली डेट को सक्सेसफुल और लंबे टाइम तक यादगार बनाना चाहते हो तो आप अपनी डेट पर कुछ एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग या कुछ थ्रिलिंग वाला काम करो, क्योंकि जो हार्मोन्स एक्साइटमेंट, सरप्राइज या डर से जनरेट होते हैं वो रिलेशन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नंबर फोर, अगर आप किसी को अपनी बात से सहमत करवाना चाहते हो तो याद रहे कि अपनी बात बोलते टाइम अपने सिर को हिलाओ, जिसके रेस्पॉन्स में सामने वाले को भी अपना सिर हिलाना पड़ेगा और ये ट्रिक उनके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो आपसे एग्री हैं। नंबर फाइव, जैसे ही आपका अलार्म बजता है तो तुरंत बैठे हो जाओ और अपनी हथेली को मुक्के की शेप में बनाओ और हाथ ऊपर उठा के चिल्लाओ या जैसे कि आप एक फुटबॉल प्लेयर हो और आपने गोल किया हो। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये आपकी नींद खोलने में और रिफ्रेश फील कराने में बहुत कारगर है। नंबर सिक्स, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो याद रहे कि आप अपने आप को इस तरह से अरेंज करो कि आपका इंटरव्यू सबसे पहले या फिर सबसे लास्ट में हो, क्योंकि इंसान को सबसे पहली और लास्ट वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं बजाय बीच की चीज़ों के, जिसकी वजह से आप इंटरव्यूअर के माइंड में अपनी छाप छोड़ सकते हो बड़ी आसानी से। नंबर सेवन, अगर आप किसी से हाथ मिलाते टाइम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो तो याद रहे कि आपके हाथ ठंडे ना हों। एक स्टडी से प्रूव किया गया है कि हल्के गर्म हाथ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने में ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। नंबर एट, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको लाइक करने लगे तो आप उनसे किसी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में राय ले सकते हो और ऐसा करने से चांसेस हैं कि वो आपको लाइक करने लगेंगे। नंबर नाइन, अगर किसी से कोई गलती हुई है और आप उन पर उसका आरोप लगाना नहीं चाहते हो तो आप अपने सेंटेंस को दूसरी तरह से फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि आपने कल जाने से पहले विंडो बंद नहीं की तो आप इसकी जगह बोल सकते हो कि कल पूरी रात विंडो खुली रही, जिससे सामने वाले इंसान को अपनी गलती का भी पता चल जाएगा और उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उनको उनकी गलती का एहसास दिला रहे हो। नंबर टेन, अगर कोई आपको बहुत देर से घूर रहा है, जो कि आज की डेट में एक आम बात है, तो डोंट वरी, आप भी उनके जूते की तरफ देखने लग जाओ और देखते ही रहो। ये ट्रिक सामने वाले को पागल कर देगी और एक बहुत गहरी सोच में डाल देगी। तो आप सबसे पहले कौन सी ट्रिक यूज़ करने वाले हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।